इस वक्त हमारे साथ है अजगरा के बसपा विधायक टी राम जी। आइए जानते हैं कि 2017 के चुनाव में पार्टी की इनकी रणनीति क्या है। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखा के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। हम लोग जातिवाद धर्मवाद से ऊपर उठकर अपराध मुक्त अन्याय मुक्त और विकास युक्त पूरा समाज बनाना चाहते हैं और प्रदेश को उसी स्थिति में ले जाना चाहते हैं जिसमें हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हों, हमारे लोग सुरक्षित हों, कानून का राज स्थापित हो और विकास का काम हो। अजगरा में सपा कांग्रेस गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनकी स्थिति क्या होगी? पिछले बार के चुनाव में आपका जो अंतर था जीत का, वो उस गठबंधन के प्रत्याशियों का गठबंधन अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग उस आंकड़े को पार कर जाता है, उसको कैसे तोड़ेंगे आप? देखिए, तब की बात और थी, आज की बात अलग है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कांग्रेस को वोट मिला या जो समाजवादी पार्टी की लहर में 2012 में समाजवादी पार्टी को वोट मिला वो वोट फिर उनको मिले, इसलिए वो तो दूसरे नंबर हो सकता है तीसरे नंबर पर खिसक के रह जाएंगे। बहन जी को दलित की बेटी नहीं बल्कि दौलत की बेटी कहा जाता है, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये जो राजनीति में जो लोग खुद आज परेशान हैं और उनको ऐसा लगता है कि बहन जी की पार्टी जीत रही है, बहन जी मुख्यमंत्री होने जा रही हैं पांचवी बार, इसलिए नाना प्रकार के अनर्गल आरोप लगाने की कोशिश होती है। कहीं स्कैम का शब्द इस्तेमाल होता है, कहीं कसाव का इस्तेमाल किया जाता है कि कसाव का शब्द इस्तेमाल होता है। आखिर बड़े बड़े नेता हैं और इतनी छोटी छोटी नीची चीज़ों पर बात करने लगते हैं जो कदाचित समाज में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं, इससे क्या माइनॉरिटी का वोट आपकी तरफ खिसक कर आएगा क्या? आना चाहिए, क्योंकि माफिया डॉन नहीं बल्कि ये कहिए कि अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी नेता हैं। अगर नेता नहीं होते तो जेल से दो दो तीन तीन बार वो कैसे विजयी हो जाते हैं? नोटबंदी के सवाल पर मोदी जी का कहना है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई घबराया है तो सपा और बसपा नेता घबराए हैं, इस नोटबंदी का कितना असर पड़ रहा है इस चुनाव पर? मोदी जी का कहना कुछ हद तक ठीक है, इसलिए कि मोदी जी करोड़पतियों पूंजीपतियों के नेता हैं और लाइन में अगर कोई खड़ा हुआ है तो गरीब लोग खड़े रहे, जिसके पास पैसा नहीं था, जो किसान लोग थे अपना पैसा अपने बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसी को इंजीनियर बनाने के लिए, किसी को डॉक्टर बनाने के लिए, अपना मकान बनाने के लिए या फिर अपनी बेटी की शादी करने के लिए या कोई बीमार है उसके लिए पैसा रखा था, वो पैसा उनको बैंक में जमा करने में लाले पड़ गए उनके, कई दिनों तक वो लोग लगातार लाइन में रहे, कई लोग उसमें समझ गए। इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा इसका चुनाव पर। जनता इतने जल्दी क्यों भूल जाएगी, कैसे भूल जाएगी? जो लोग लाइन में होकर मर गए हैं उनके परिवार को क्या किया है माननीय मोदी जी ने? इस बार प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? बहुजन समाज पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। मान ली अगर बहुमत नहीं आया तो भाजपा के साथ सरकार बनाएंगे क्या? नहीं, कभी नहीं। और सपा कांग्रेस गठबंधन का क्या असर होगा? तीसरे चौथे नंबर पर जाएगी। और दूसरे पे कौन रहेगी? हो सकता है भारतीय जनता पार्टी कई लोगों से गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में कूदी, क्योंकि उनको अपने ऊपर अब विश्वास नहीं रह गया, जैसे 2014 में उन्होंने तमाम पार्टियों को मिला के एक सम्मिलित फ्रंट बनाया था, इस तरह इस बार भी उन्होंने बनाया है। हो सकता है वो आ जाए, हो सकता है समाजवादी पार्टी आ जाए, ये तो समय बताएगा, हम तो भविष्यवक्ता है नहीं। बहन जी काम के आधार पर इस बार वोट मांग रही हैं, इसका कितना असर पड़ेगा इस बार? बहुत असर पड़ेगा, इसलिए कि बहन जी ने काम किया है, लोग जनता याद कर रही है कि बहन जी के ज़माने में कानून व्यवस्था के साथ साथ विकास का काम बहुत हुआ था। आप आज बनारस से लखनऊ नहीं जा सकते हैं, ये सड़क 2 साल से हम लोगों ने भी छोड़ दिया है, बहन जी के ज़माने में इसमें 4.5 घंटे में आप लखनऊ पहुँचते थे। तो ये रहे त्रिभुवन राम, जिन्होंने बताया कि इस बार काम के नाम पर बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली। क्लाउन टाइम ब्रेकिंग न्यूज़ वाराणसी।